बोस हाउस पहुंची पुलिस, सृष्टि को किया अरेस्ट। सीरियल झनक में इन दिनों फुल ऑन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। सृष्टि तेजस के फोन आने के बाद खुश हो जाती है कि चलो फाइनली झनक का एक्सीडेंट हो गया और तेजस को जो जिम्मेदारी दी थी वो पूरी हुई। झनक के एक्सीडेंट की खबर से जहां अनिरुद्ध और आदित्य दोनों ही परेशान होते हैं और झनक को ढूंढते हैं, वहीं जल्द ही आदित्य को ये बात मालूम पड़ जाती है कि झनक ठीक है और सही सलामत है। बोस हाउस में एक तरफ जहां कई फैमिली मेंबर्स झनक को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, वहीं कई झनक के चले जाने से खुश होते हैं। तभी सृष्टि मन ही मन ये सोच कर खुश हो रही होती है कि झनक अब उनकी बेटी अर्शी और अनिरुद्ध की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई हैं। कि तभी पुलिस आती है और सृष्टि को झनक के एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में पुलिस सृष्टि को अरेस्ट कर लेती है। सृष्टि अनिरुद्ध की तरफ देखती है कि अनिरुद्ध सृष्टि को बचा लेगा, लेकिन अनिरुद्ध इस बार सृष्टि की कोई हेल्प नहीं करता। ऐसे में अर्शी अनिरुद्ध पर बेहद नाराज होती है, लेकिन अपनी माँ के लिए अर्शी भी कुछ नहीं कर पाती। अब जब अनिरुद्ध पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं तो झनक अपने काम पर वापस लौटती है और आदित्य की बात मानती है या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। For more TV serial news and gossips, do subscribe News Asteria.